हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन बात करते हैं 15 ग्रुप में फास्फोरस के कंपाउंड फोस्जीन की। देखिएगा फोस्जीन के लिए आप प्रिपरेशन मेथड देखेंगे और प्रॉपर्टीज देखेंगे, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों को आप यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। तो देखिएगा बेटा, प्रिपरेशन ऑफ फोस्जीन, फर्स्ट अपन लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ फोस्जीन। फोस्जीन को आप Ca3P2 कैल्शियम फोस्फाइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फोस्जीन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पर देखिएगा, जैसे ही कैल्शियम फोस्फेट को आप वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और फोस्जीन गैस बन जाती है। कैल्शियम फोस्फाइड को HCl एसिड के साथ भी यूज कर सकते हैं या ट्रीट करवा सकते हैं तो भी आपके फोस्जीन गैस फॉर्म होती है। तो देखिएगा, कैल्शियम फोस्फाइड को HCl एसिडिक मीडियम में ट्रीट करवाते हैं तो CaCl2 और फोस्जीन गैस रिलीज होती है। फ्रॉम फॉस्फोरस से भी आप फोस्जीन को बना सकते हैं। जैसे व्हाइट फॉस्फोरस लिया, व्हाइट फॉस्फोरस को बेसिक मीडियम में ट्रीट करवाते हैं तो आपके फोस्जीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा P4, जिसे आप क्या कह रहे हैं बेटा, व्हाइट फॉस्फोरस, 3NaOH प्लस 3H2O फॉरवर्ड रिएक्शन, आपको क्या मिल जाएगा यहां पर, फॉस्फीन मिल जाता है और इसे आप क्या कहते हैं, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ओके, फ्रॉम फॉस्फिनियम आयोडाइड, फॉस्फिनियम आयोडाइड से भी आप फॉस्फीन का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। देखिएगा PH4I फॉस्फोनियम आयोडाइड, इसको KOH के साथ ट्रीट करते हैं, KI बन जाता है, H2O बन जाता है और फॉस्फीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फॉस्फोनियम आयोडाइड से बेसिक मीडियम में ट्रीट करने पर फॉस्फीन का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रॉपर्टी देखिएगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, फॉस्फीन की प्रॉपर्टी को अब डिस्कस कर लेते हैं। इट इज ए कलरलेस गैस विथ फिश स्मेल एंड इज हाईली पॉइजनस। ये क्या होता है बेटा, हाईली पॉइजनस नेचर का कंपाउंड है। इट एक्सप्लोड्स इन कॉन्टेक्ट विथ ट्रेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, Cl2, Br2 वेपर्स। देखिएगा, जैसे ही ये HNO3 मतलब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कॉन्टेक्ट में ही आता है, जैसे HNO3 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, तो ये इजीली क्या कर जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वॉटर, वॉटर में ये बहुत कम सोल्यूबल होता है, स्लाइटली सोल्यूबल इन वॉटर। द सोल्यूशन ऑफ फॉस्जीन इज इन वॉटर डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिविंग रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। और जैसे ही इसको वॉटर के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो ये लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन शो करता है और रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। फॉस्फीन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें आप देख सकते हैं कि देखिएगा, फॉस्फीन जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करता है और PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेता है और HCl बनाता है। कॉपर सल्फेट के साथ भी ये रिएक्ट करता है और कॉपर फॉस्फाइड बनाता है। क्या बनाता बेटा, कॉपर फॉस्फाइड। तो आप कह सकते हैं क्लोरीन के साथ PCl5 एंड कॉपर सल्फेट सॉल्ट के साथ ये कॉपर फॉस्फाइड का फॉर्मेशन करता है। HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ भी ये रिएक्ट करता है और मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बना लेता है। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन करवाया जा सकता है, HBr के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो देखिएगा, यहां से आप देख सकते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड,
मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ फोस्फीन रिएक्ट करता है और मर्क्यूरिक फोस्फाइड बना लेता है। क्लोराइड से किस में चेंज हो जाता है? फोस्फाइड में चेंज हो जाता है। ऐसे ही फोस्फीन का पायरोलाइसिस करवा सकते हैं। फोस्फीन को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन होता है और व्हाइट फॉस्फोरस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, P4 यहां पे क्या बेटा? व्हाइट फॉस्फोरस है। क्या है? व्हाइट फॉस्फोरस। नेक्स्ट देखते हैं अपन, PH3 HBr से रिएक्ट करता है और फॉस्फोनियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या करता है बेटा? फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। क्लियर? क्या इट मीन? आप कह सकते हैं बेटा यहां पर कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन फॉस्फीन के साथ मिलकर, या यूं कहें कि हैलाइड जो होंगे उनके एसिड फॉस्फीन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? फॉस्फोनियम हैलाइड बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं PH3 प्लस HCl, तो क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा? PH4Cl। ऐसे ही आप देख सकते हैं PH3 प्लस HBr, तो यहां पर भी PH4Br जो क्या है? फॉस्फोनियम ब्रोमाइड है। ऐसे ही आप देख सकते हैं PH3 प्लस HI, PH4I फॉस्फोनियम आयोडाइड। क्लियर? द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन इज टेक्निकली यूज इन होल्म्स सिग्नल्स। होल्म्स सिग्नल्स में इसको यूज में लिया जाता है। कंटेनर्स कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड आर प्रेस्ड एंड थ्रोन इन द सी व्हेन द गैसेस evolved burn and serve as a signal। okay, देखिएगा यहां पर क्या बात आती है कि जैसे ही इनका कंटेनर्स में इनकी कंटेनिंग जो होती है कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड के फॉर्म में होती है, तो जैसे ही आप इनको आप सी में थ्रो करते हैं, इनका फेंकते हैं, तो ये जलती हुई गैस के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, जिसे आप होल्म सिग्नल कहते हैं। ठीक है, क्या? इट इज आल्सो यूज्ड इन स्मोक स्क्रीन भी इनसे डेवलप की जा सकती है, वहां पर इनका काफी ज्यादा यूज होता है। द यूजेज ऑफ फॉस्फीन, कैल्शियम कार्बाइड H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इथाइन C2H2, इथाइन एसिटाइलीन भी इसको बोल सकते हैं। Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड H2O के साथ रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कैल्शियम कार्बाइड से आप क्या बना सकते हैं? एसिटाइलीन बना सकते हैं। ऐसे ही कैल्शियम फॉस्फाइड से आप फॉस्फीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड इज यूज्ड इन होल्म्स सिग्नल फॉर नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन के लिए इसका होल्म्स सिग्नल के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं, उनमें मतलब नाइट के टाइम इनका नेविगेशन करवाया जाता है। ठीक है, इंडिकेशन देते हैं जिसे आप होल्म्स सिग्नल कहते हैं। ये नाइट में पानी में जैसे डीप होते हैं, वाटर के कॉन्टेक्ट में जाते हैं, तो एक साइनिंग पैदा करते हैं। ठीक है, चमकते हैं, जिससे मालूम हो जाता है कि सामने कोई बड़ा शिप या छोटा शिप आ रहा है, जिससे नेविगेशन प्रॉपर होता है। क्वेश्चंस, बॉन्ड एंगल इन PH4 इज हायर देन दैट ऑफ PH3, व्हाई? तो देखिएगा इन बोथ PH4 प्लस एंड PH3 फॉस्फोरस एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड in PH4 plus all the four orbitals are bonded whereas in PH3
There is a lone pair of electrons due to a lone pair bonded pair repulsion. Lone pair bond pair repulsion होगा in PS3. The bond angle is less than 109.5 degree. Okay? ये देखिएगा pyramidal pyramidal structure हो जाता है lone pair bond pair के वजह से. ओके तो देखिएगा यहां पर 93.6 डिग्री हो जाता है और इसमें 109.5 डिग्री रहता है. तो हायर टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल मिलेगा और पाइरिडीन स्ट्रक्चर में डिक्रीज हो जाता है बॉन्ड एंगल. ठीक है बेटा क्वेश्चंस देखिएगा. इन व्हाट वे Can it be proved that PS3 is basic in nature? PS3 reacts with acid like HI2 from PS4I, which show that it is basic in nature. क्योंकि यहां पर फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर होता है जो जल्दी से किसी भी एसिड को मिल जाता है जो एच आई के फॉर्म में है यहां पर. तो ये फॉस्फोनियम आयोडाइड फॉर्म कर लेता है सॉल्ट बना लेता है. पीएच थ्री प्लस एच आई फॉरवर्ड रिएक्शन पीएच फोर आई ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ फॉस्फोरस एटम पीएच थ्री इज एक्ट एज ए लुइस बेस इन द अबाउ रिएक्शन. इस रिएक्शन में ये लुइस बेस की तरह बिहेव करता है. क्लियर. एमसीक्यूज देखिएगा. पी फोर प्लस थ्री एन ओ एच प्लस एच टू ओ फॉरवर्ड रिएक्शन पी एच थ्री एन ओ एच पी एच थ्री एच थ्री पी ओ फोर पी एच थ्री एन ए एच टू पी ओ टू. तो ये हो जाएगा इसमें आपके पी एच थ्री सोडियम फोस्फाइट. नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा. कॉपर सल्फेट पी एच थ्री क्या फॉर्म करेगा. Cu2P3, Cu3P2, Cu3PO4 का होल ट्वाइस नन. तो हो जाएगा Cu3P2 कॉपर फॉस्फाइड देगा. ए मिक्सचर ऑफ इज यूज एज होल्म्स सिग्नल. थर्ड कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड 6H2O फॉरवर्ड रिएक्शन AIP एल्यूमिनियम फॉस्फाइड कैल्शियम फॉस्फाइड कैल्शियम फॉस्फाइड कैल्शियम फॉस्फेट. हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फाइड. ओके बेटा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड. नेक्स्ट आता है आपके फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड. Preparation of phosphorus trichloride P4 plus 6Cl2 forward reaction del PCl3. Phosphorus trichloride का formation हो जाता है. Thionyl chloride से भी आप trichloride को form कर सकते हैं. मतलब phosphorus trichloride यहां पर prepare हो सकता है. S2Cl2 बनेगा और SO2 गैस रिलीज हो जाती है. तो देखिएगा यहां पर आप देख सकते हैं बेटा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन इजीली करवाया जा सकता है. जब व्हाइट फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ हाई टेंपरेचर पर ट्रीट करते हैं तो PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाता है. ऐसे ही थायोनिल क्लोराइड के साथ भी PCl3 का फॉर्मेशन होता है और SO2 गैस लिबरेट होती है. प्रॉपर्टी ऑफ PCl3 PCl3 प्लस H2O forward reaction S3PO3 phosphorus acid PCl3 plus Cl2 PCl5 phosphorus pentachloride बनता है. तो देखिएगा यहां पर प्रॉपर्टीज में देखते हैं तो PCl3 जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है. ऐसे ही आप बता सकते हैं कि PCl3 क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और PCl5 में चेंज हो जाता है जिसे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड कहेंगे. एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है. ठीक है देखिएगा PCl5 एसिडिक
मीडियम में, या यू कहें एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड के साथ एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। एथेनॉल के साथ भी रिएक्ट करता है और एथिल क्लोराइड बना लेता है, जिसे आप क्लोरोइथेन कहेंगे बेटा, H3PO3। एजीसीएन सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी PCl3 का रिएक्शन इजी हो जाता है और ये क्या बनाता है बेटा, सिल्वर क्लोराइड बना लेता है, ठीक है, और ट्राई साइनोफोस्फाइड बनाता है। स्ट्रक्चर ऑफ PCl3, स्ट्रक्चर ऑफ PCl3 देखिएगा पायरामिडल शेप में, PCl3 जो होता है वो पायरामिडल शेप में यहां पर रिप्रेजेंट होगा बेटा, ठीक है। फॉस्फोरस इज sp3 हाइब्रिडाइज, इसमें फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है और फॉस्फोरस एज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर लॉन पेयर प्रेजेंट होगा बेटा। एमसीक्यूज देखिएगा, PCl3 इज हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, PCl3 प्लस H2O, तो H3PO3 और HCl का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके बेटा। नेक्स्ट, PCl3 हैज ए जियोमेट्री पिरामिडल, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखिएगा प्रिपरेशन देखते हैं पेंटाक्लोराइड की, एक्सिस में क्लोरीन लेते हैं और व्हाइट फॉस्फोरस के साथ ट्रीट करते हैं, जिससे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाता है। देखिएगा व्हाइट फॉस्फोरस लिया, एक्सिस में क्लोराइड लिया, क्लोरीन गैस, और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में ये चेंज हो जाता है। थायोनाइल या सल्फ्यूराइल क्लोराइड, अब SO2Cl2 यूज करेंगे यहां पे, वहां पे क्या था थायोनाइल क्लोराइड और यहां पर अब ये हो जाएगा सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2। 10 मोल्स प्रेजेंट है, जिससे PCl5 का फॉर्मेशन होता है और SO2 गैस लिब्रेट होता है। क्या होता है बेटा, SO2 गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रॉपर्टीज देखिएगा, PCl5 रिएक्ट विद H2O POCl3 प्लस HCl, POCl3 वापस H2O के साथ रिएक्ट करता है और H3PO4 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं बेटा, फॉस्फोरिक एसिड, क्या कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। PCl5 को डिकम्पोज करते हैं तो PCl3 और Cl2 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस लिब्रेट होती है। एथेनॉल के साथ PCl5 रिएक्ट करता है, एथिल क्लोराइड बना देता है और POCl3 और HCl बनाता है, जिसे आप क्या कह रहे हैं बेटा, क्लोरोइथेन। एसिटिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, POCl3 और HCl गैस लिब्रेट करेगा, ठीक है। तो देखिएगा ये एसिटिक एसिड हो गया, PCl5 रिएक्ट करता है और एसिटाइल क्लोराइड में इसको कन्वर्ट कर देता है। PCl5 एज ए पावरफुल क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्या होता है बेटा, पावरफुल क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्लोरीन का एडिशन बहुत फास्ट करवा सकता है। Ag plus PCl5 AgCl सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, PCl3 बन जाएगा, किसी भी मेटल के साथ ये क्लोरीनेशन कर सकता है। SnCl14 क्लोराइड बनाएगा, PCl3 बनाएगा। तो देखिएगा Ag के साथ रिएक्ट करता है, AgCl बन जाता है, SnTin के साथ रिएक्ट करता है, टिन क्लोराइड बन जाता है, तो क्लोरीनेशन हो रहा है, पावरफुल क्लोरीनेटिंग एजेंट, इसीलिए इसको बोला जा रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इन ए गैसियस एंड लिक्विड फेज, इट हैज ए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ये देखिएगा इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होगा, जिसमें अलग अलग बॉन्ड्स हैं, ये देखिएगा ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन एक ही प्लेन में होते हैं। देखिएगा यहां पर PCl5 हैज ए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर लिए हुए हैं,
क्या है, PCl5 has a trigonal bipyramidal स्ट्रक्चर है। इसमें देखिएगा फास्फोरस क्लोरीन के बीच बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 202 picometer, जो एक ही प्लेन में है। यहां देखिएगा बेटा इसका जो रियल फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज एन आयोनिक सॉलिड PCl4+ PCl6-, in which the cation PCl4 is tetrahedral and the anion is octahedral. Okay? ये solid form में, solid state में किस form में मिलेगा आपको? PCl4 positive cationic form में मिलेगा और PCl6 anionic form में मिलेगा। ठीक है, ये एक कंपोजिशन होता है जिसमें ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बेटा। ओके, फिर देखिएगा यहां पर क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, 240 पिकोमीटर होता है। क्या होता है? 240 पिकोमीटर होता है। एमसीक्यूज देखिएगा, 2Ag+ PCl5, इसमें हो जाएगा आपके AgCl और PCl3। PCl5 शो जियोमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, pH ये P4+ 10Cl2 PCl5 का फॉर्मेशन होता है। एसिडिक मीडियम में, या यूं कहें एसिटिक एसिड के साथ एसिटाइल क्लोराइड और POCl3 का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस,